अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला था ना रास्ते में शूट करूंगी, लेकिन अभी तक तो थोड़ा आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 1-2 किलोमीटर भी पहुंचे। इतने में अमीन का आया फोन कि मम्मी तुम्हारा दूसरा वाला फोन मेरे जेब में है, कहाँ हो तुम? तो फिर उसको बताइए आया तो बोले रुको मैं वहीं देने आ रहा हूँ। तो चलो वो फोन देने आए, फोन लेंगे फिर रवानगी। देखो आए बुलेट लेकर वापस वही काम है ना, और कुछ काम है नहीं। देख 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 आया, देखा देख देख उसकी आवाज आ रही है मेरे को, उसकी आवाज आ रही है मेरे को। आजा आजा, अरे आना आवे। सुन बोलू जो तूने मेरे को बोसा नहीं दिया था, इसके लिए मैं नहीं जा पाई। चलो बाय जी। तो आंख लग गई थी और ये अभी आवाज दिया, मम्मा फोन बज रहा है। फोन तो कब से बज रहा है, बच्चे वहां से फोन कर रहे, कोई नहीं सोया, सब जग रही। यहाँ तक कि छोटी आयशु है ना, वो भी जग रही है, दादी ऐसे करती है। और ये अभी हम रास्ते पे हाईवे पे, क्या है कौन सा अली है, डीसेट दरबार समथिंग कुछ है। थोड़ा सा चाय वगैरह पीते माइंड फ्रेश हो जाएगा। खाना तो इतना अच्छा खाना वहाँ बना है, इसकी बड़ी माँ चावल बनाए, इसका भाई वहाँ पे दही लाके इसके लिए थिक सेट पता नहीं क्या क्या सब लाके रखा है। लोग फिर भी देखते हैं, कुछ थोड़ा खाते हैं ताकि टाइम पास हो, नींद नहीं आई तो सो गई। ये हमारा आ गया फ्राइड राइस, मेरा बेटा थोड़ा खुश हो गया फ्राइड राइस खिलाती हो तो, खा नहीं रहा था। मैंने बोला खा ले अल्लाह का नाम लेके। और ये यहाँ पे कलर देखे डाउट हो गया था, डाउट मत किया करो कभी। लाजमी है यार, मैं तो बुलाऊंगी आपको, आइए बिस्मिल्ला करने के लिए। ब्यूटीफुल लग रहा है ना हाईवे, बहुत मस्त लग रहा है। ये देखो गाड़ियाँ जा रही है। चलो अभी हम भी चलते, खाना वगैरह हो गया, अब रेड बुल पिया है तो थोड़ा सा नींद भी उड़ गई शायद, तो अब चलते। सही सलामत पहुंच गई घर, अब बच्चे सब सोए हैं, अमीना पा भी सो गए, बात करते करते काफी लेट हो गया। नहीं नहीं उठाना नहीं अभी उन लोगों को, कुछ किसी को भी मत उठाना, मुझे भी बहुत नींद आ रही, एकदम थकावट हो रही है। तो मैं भी अब सोऊंगी इंशाल्लाह, फिर सुबह वही हयाती रही इंशाल्लाह। एकदम एग्जैक्ट टाइम पे घर पहुंची थी, फिर मैंने पढ़ी तहज्जुद, उसके बाद फिर मैंने पढ़ी फजर, और अमीना आपा उठ गए थे। तब तक अयूब ने बनाया चाय, और आज अमीना आपा को भी मैंने अयूब के हाथ की चाय पिलाई हूँ। मैं कप में पी और अमीना आपा को सासुर में दी, बहुत मज़ा आया। और अभी तो हम जा रहे फिश लेने, क्योंकि अमीना आपा को मेरे हाथ की फिश कड़ी खाना है, तो अब जा रहे हम फिश लेने। और फिश लाके मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत आ रही है चक्कर, गाड़ी में थोड़ा देर सो गई थी तो इसीलिए मैंने फिर तहज्जुद पढ़ ली। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चिंटू के लिए खास करके दुआ की हूँ, अल्लाह वो दुआ कबूल करे। मैंने लिया एक पॉम्पलेट जो फ्राई होगा वो भी रख दे, और वो ग्रेवी वाला फिश का है। सूरत का फिश मार्केट, और हमने लिया है बड़ा वाला पॉम्पलेट, और वो है एक पॉम्पलेट 2500 का। और उसके बाद लिया है बॉम्बे में, उसको कहते हैं रावस, यहाँ पे कहते हैं चिलिया, तो वो किलो के हिसाब से मिलते, तो वो मैंने ली हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। और झींगे भी बहुत अच्छे, लेकिन आज मुझे नहीं लेना, अयूब की नज़र पूरी हुई लेउटे पे। चलो मैं आपको एक लेउटे बताती हूँ, यहाँ के लेउटे हैं जो यहाँ पे स्पेशली सीजन में मिलते हैं, और ये ज़िंदा ही खाए जाते हैं। अगर ये मर जाए तो यहाँ के लोग इसको खाते नहीं हैं, ज़िंदा रहेंगे तो ही इसको लिया जाता है। और इसको साफ़ करने का तरीका भी बहुत अलग तरीके का है, सबको नहीं आता ये। सूरत स्पेशल नीरा, बॉम्बे स्पेशल नारियल पानी, पर यहाँ भी कभी कभी नारियल पानी चल जाता है, पर बॉम्बे में नीरा नहीं चलता है। क्या कहते हो, ठीक हो? चलो आ जाओ आ जाओ। अबे क्या रोड पे पल्ली, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? सरगवा। सरगवा हमारे बॉम्बे में तो, हमारे साउथ में तो इसको चेंगड़ी पल्ली बोलते हैं। मसूर की से शादी कर लिया ना भाई? चलो लग रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मलाई, फ्रेश मलाई, और ये मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, और उसी के साथ में मैंने ये ली हूँ पल्ली। आपको बता रहे थे अयूब सब बाजार में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अभी वाली वैसे तो सुबह वाली हो चुकी है, उठ गए कब से इनकी बेटिया गिरी चालू है, उठने का इधर इधर
आके पी रहे लुढ़क गए, खट्टी इमली बोलने की जरूरत है क्या? बोलने के लिए तो सामने बैठे ना, बोलो बिंदास, पढ़ूंगी मैं जरूर। और इसके लिए तो ये इनवाइट नहीं करूंगी खाने के लिए, क्योंकि सब नहीं खाते ही, समझे। मैं जाऊंगी फिश कड़ी बनाने, और क्या पता शायद उसका वीडियो भी डालूं, ठीक है। और ये फिश कड़ी, और इसमें मैंने डाली हूँ कैरी और सेंगट की फली, और उसके साथ साथ यहाँ पे फिश, ये फ्राई वाली फिश। चलो अजान शुरू हो गई, मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे इसको जो चेलिया बोलते हैं, एक्चुअली अपने इधर रावस, तो ये फ्राई के लिए मसाले लग चुके, और ये वाली पॉम्फलेट, तो ये सब लगाई है मेरी बहू ने मसाला, सालन मैंने बनाई हूँ, और इसके साथ बनेंगे स्टीम राइस और कुमड़ी वड़े। कुमड़ी वड़े भी मैं, आटा मेरी बहू ने गुना है, बनाने वाली मैं हूँ। देखो आज हमारी गोरी कुछ अलग किचन में दिख रही है, और इधर सब चालू है इसका। क्या? अरे आज तो क्या बनाया इसने, नई आइटम बनाई है। मुंबई वाली आइटम सूरत तक पहुंच गई है। अबे माँ देखियो, कोमड़ी वड़ा। अबे माँ कोमड़ी वड़ा, और उसके साथ में फिश फ्राई। ओहो खाने का। अरे भाई बहुत खुशबू आ रही थी, मेरा दिल हो गया, तो मैं बोला लाओ जरा जाऊं किचन में, पहले अभी खुशबू से पेट भरूं थोड़ा, ले जा ले लो। ओके ये हमारा दस्तरखान तो लग चुका है लंच के लिए, और एक बार आपको इसकी शक्ल बता दूं। ये देखिए माशाल्लाह, ये है फिश कड़ी, कोमड़ी वड़ा, स्टीम राइस, फिश फ्राई, और उसके साथ है सैलेड। तो आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। चिची खाएगा? चिची नहीं है, फिश है। फिश किसने बनाया? दादी ने बनाया। दादी, अम्मा चिची है, चिची। चलो आज हमारी बेटी के साथ आ जाओ बिस्मिल्लाह करने के लिए। आ जाओ बिस्मिल्लाह। हो गया बच्चा, हो गया। बिस्मिल्लाह हो गया भाई, वो दिखता है। अरे बाप ये हो गया। देखो आयशु, ये तो चाचू ने दिया पैसा, चाचू ने ना। थैंक यू चाचू। हो गई बाबा मेरा बच्चा। आशु, ए आशु, आशु दिखाओ मम्मा को, दिखाओ देख कान का दिखा। अरे नहीं, भी गुस्सा नहीं, ही नहीं है दादी के ब्लॉग में देखना ही नहीं है उसको। आज मैंने आपको बताया था ना, स्पेशल चीज ये थी, स्पेशल चीज जो मेरे बच्चे को मुझे कान में पिलाना था, और मेरी बहुत अरमान थी कि ये सब चीजें हमारे में मामू चाचा लोग सब करते है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो फिर से अजान हो रही है, फिर बाद में बात करते। ला मेरे को खिला आइसक्रीम दादा को, ला खिला दादू को आइसक्रीम। आलो आज तो तुम्हारी भी बात नहीं सुनती हो। हाँ ला खिला, आली लेके गया था ना उन लोगों को सब। ला आइसक्रीम खिला दादू को। चाचू, अरे वाह, माँ मेरा बच्चा दादू को आइसक्रीम खिलाएगा। ओ माँ, नहीं बस तुम चाय पिएगा, छोड़ो ना बच्चे को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खा लो माँ, खा लो खा लो खा लो खिला। हाँ हाँ वाह 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 मेरा बच्चा। अब थोड़ा माइंड उसका फ्रेश हुआ, हाल ही गया था लेके, इन लोगों सबको आइसक्रीम दिला के घुमा फिरा के लेकर आए। किन्ने दिलाए चाचू ने? अपन हमारे लिए बनाई है चाय, तो आइए हमारे साथ चाय पीने के लिए, और हम जा रहे चाय पीने के बाद, आइए मुझे कहीं लेकर जा रहे, क्योंकि उनका कुछ पेंडिंग है, तो इसके लिए मुझे ले जा रहे हैं, है ना। और ये ड्रेस की बहुत ज्यादा तारीफ करें वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, खाली उनका चेहरा से मुस्कुराहट समझ जाओ। वगैरह पी के थोड़ा मस्ती चालू थी, तो आयशु अब थोड़ा थोड़ा सा रोने लगी, तो मैंने बोला अब इसको सुला दे, थोड़ी चिड़चिड़े अपन चालू हो गया। और आयु मेरे को बोले चल ले, तो फिर उस दिन जैसा फिर से दुकानें बंद हो जाएगी। तो जो उस दिन लास्ट टाइम वाली मेरी शॉपिंग बाकी थी ना, होली वाले टाइम जो सब बंद हो गया था, तो अभी इसलिए मेरे को जुवेरिया बोली कि आप जल्दी निकलो ना, तो आज भी बंद हो जाएगी। तो अब मैं निकली हूँ, और ये अयूब ने मंगाए थे थिक सेट मेरे को, लेकिन ये आइसक्रीम जब बन जाती तब अच्छी लगती है, तो मैं ये लेकर निकली। तो अमीना पापा मेरे को पूछते तेरे को कड़क वाली अच्छी लगती, मैंने बोला हाँ, तो बोले फिर खा। तो अब ये, और ये ड्रेस भी अमीना पापा का नया ड्रेस था, अमीना पापा ने पहन के 2 घंटा ही पहने थे, तो मेरे को बोले अब तू आई हो ना तब पहनना, तो मैंने आज फिर ये ड्रेस ही पहनी, अच्छी लग रही है ना। पैर दुख रहे भाई मेरे, अभी यहाँ तो मिल ही नहीं रहे मेरे साड़ी के मैचिंग में और प्योर में, ये सब होलसेल मार्केट है,
और वो भी कहते हैं कि एक नहीं मिलेगी, चार लोग या छह लोग, किसको बांटूं? मेरी बेटी और बहू लोग तो सब ड्रेस पहनते, ड्रेस होता तो ले भी लेती, साड़ी तो सिर्फ मैं अकेली पहनती। ये एक्चुअली शॉप है लेकिन मुझे ही वो बहन बोलते हैं, और एक नज़र में उन्होंने मेरे को पहचाना कि कितना दिन हो गया हमारी बहन अभी आए। मैं क्या बोलूँ उनको, और वो ये सब वीडियो देखते नहीं है। तो अभी इन्होंने देखो पूरी कॉटन की साड़ियाँ, मैंने एक्चुअली कॉटन की साड़ी, एक सिल्क की साड़ी बोले लेने, मेरे को चाहिए थी कॉटन की साड़ी, तो ये सब कॉटन की साड़ी ली। और ये वाला ब्लाउज पता है ना दिल्ली से लाई हूँ, इसके मैचिंग की भी साड़ी यहाँ मिल चुकी। तो अब देखते हैं घर जाके इसमें कुछ ना कुछ अपने डिज़ाइन तो ऐड करने ही वाली हूँ मैं, फिर देखते हैं पहनने के बाद। तो भाई मेरी शॉपिंग तो हो गई अच्छी खासी, अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ आगे, और अभी मेरा कुछ मूड नहीं है भैया लेने का, थक गई मैं तो। चलो लोग जा रहे घर। अंजुम आया नहीं अभी तक, आया नमाज पे होगा ना। चलो अब हम जा रहे घर, और ये रहा अली और ये रहा अंजुम का दोस्त उवैद, और अंजुम नमाज पढ़ के आ ही रहा है। अब हम जा रहे घर क्योंकि मेरी एक बेटी जो भरूच में रहती है वो आने वाली है, तो अब हम जा रहे घर। चलो अयुब के घर के नीचे सामने ही यहाँ पे मस्जिद है, और बेडरूम में से पूरी मस्जिद भी दिखती है। तो मतलब और इसके बाद में यहाँ मैं आती हूँ तो आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में, मुझे बिल्कुल टाइम का भी पता नहीं रहता है, और झूठ भी इतना ज़्यादा होता नहीं, ब्लॉग भी इतना बड़ा होता नहीं, कैसे मेरा टाइम निकल जाता कुछ भी पता नहीं है। और आज तो साइड पर भी नहीं गए क्योंकि साइड पर साहब जो वर्कर है उनकी छुट्टियाँ हैं, तो बोले जाओ आज इनको छुट्टी है, तो फिर मुझे बोले चल तुझे मार्केट घुमा कर लाता हूँ। अब जाकर आई मार्केट, बहुत सारी साड़ियाँ ली हूँ मैं। का चालू करो ये लाइट चालू करो तो अयुब। चलो भाई घर पहुँचे, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे। तो मेरी बेटी आ रही है, और एक बेटी जो है अलमास, अगर वो यहाँ रहती तो मेरी अमीना आपा के दोनों के पैरों में तेल मालिश कर देती। वैसे तो मेरी बहू भी करती है, मेरी तो नहीं करी अभी तक, मैंने देखा उसको अमीना आपा के करते हुए, लेकिन मेरे लिए भी मना नहीं करेगी। और सच बोलूँ यहाँ आती तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। अभी कब से अयुब उसको जिद भी कर रहे, गुस्सा भी कर रहे अमीन को, टिकट भेजता हूँ चल आ जा फटाफट, लेकिन वहाँ पे कुछ काम है और अर्शी का भी कुछ काम है क्योंकि वो आउटडोर जाने वाली है। पता नहीं बहुत सारे काम रहते हैं यार ज़िंदगी में, अब मेरा थोड़ी, मेरा तो क्या, मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, है ना। देखो अभी हम आए और आके, ये देखो आके मैं आगे बताती हूँ आपको, मैं मेरी बहू और अमीन आपा हम सब बैठे, गॉसिपिंग चालू है हमारी, अभी तक साड़ियाँ निकली नहीं है देखने के लिए, और मेरी बेटी निकली है भरूच से, तो मेरी बेटी भी आ रही है, और हम रात को मस्त फिश खाने वाले क्योंकि उसको फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मेरे से मिलने पहली बार आ रही है, मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ। तो ये सारी हमारी गॉसिपिंग चल रही है। तो अयुब को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम सब मिल के बैठ के बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने वो पूरी की, और सच में उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी कि दूसरी औरत करे और फिर पहली औरत को नाराज़ हो या है नहीं है ये नहीं पता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की फैमिली में कोई नाराज़गी नहीं है, शुक्रिया जजाकल्ला। हो गई पॉम्फ्रेट फ्राई, पाव मंगाए, मेरा दिल चाह रहा था पाव खाने, सालन दाल फ्राई क्योंकि मेरी बेटी और जवाई आए, ये देखो सब भरा भरा परिवार, ये तो मेरी अच्छी वाली बहू एकदम। चल और हैंडसम हस्बैंड बुलाओ सबको खाने पे, आजा आजा सब, ये घर में दो एक बेटी जवाई तो और आ गया, आओ आओ तशरीफ लाओ, नान वाला आजा आजा आजा। ये घर में आदमियों की और मेहमानों की कमी कभी होती ही नहीं है, इंशाल्लाह।